लक्ष्य शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज नंबर 2 कैसे करनी चाहिए वो सीखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो हमारी पिटमैन की बुक है, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये रैंडमली स्ट्रोक्स को दिखाया गया है, जैसे पी बी टी डी चे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर। तो इसका अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए या कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, तो जो जो वर्ड्स थे वो हम यहाँ पे एक बार उतारेंगे, पी बी टी डी जे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर। आपने देखा होगा बच्चों, उस किताब के अंदर वो पूरी लाइन को कवर कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल कंजेस्टेड बनाए हैं। उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रोक्स को पास पास लिखेंगे उतना ज़्यादा हम इजीली और स्पीड से बना पाएंगे और आउटलाइन से जो हमारी सुधरेंगी। तो मेरा यह मानना और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी A4 साइज की शीट्स है या रजिस्टर है, उसमें आप इस लाइन को कम से कम भी 3 बार करें। ये छोटी बुक है तो इस वजह से 2 ही बार आ पाएगी। और मेन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो बिल्कुल शुरुआत का हिस्सा है, इसमें 4 या 5 स्ट्रोक्स को हम लोग हर हाल में कर दें। फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग, पी बी टी टी जे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर। ये जो जगह बची है इसमें दोबारा से फिर से पी बी टी डी जे जे के गे, उसमें 3 बार आराम से आ जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। वो आपने पीछे जैसे पी बी टी डी हर एक वर्ड का एक एक पेज भर लिया था, अब आप रैंडमली करेंगे। रैंडमली करने से ये है कि जो इन वर्ड्स के डाउट आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे। वो कैसे होंगे वो बताता हूँ आपको, पी बी टी डी जे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर पी बी टी डी जे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर। फिर से पी बी टी डी जे जे के गे। इस लाइन का बच्चों आपने पूरा पेज भरना, और ऐसे नहीं है कि पी बी ऐसे नहीं, कंटिन्यू चलेंगे आप पी बी टी डी जे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर पी बी टी डी जे जे के गे डब्लू वाई एच एच आर पी बी टी डी जे जे के गे। इसके बाद हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने तो इसका पूरा पेज भरना है। इसकी जो की दे रखी है बच्चों वो पीछे दे रखी है, तो उस की को कैसे करना है बुक को दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर आप देखें कि जो ये सेकंड रो है, आर आर के बाद डाउन लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली में भी तो लिखा हुआ था ना डाउन अप, इसमें डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो हमने क्या करना, हमने तो मेन ये है कि हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे अपवर्ड की प्रैक्टिस हो जाए चाहे डाउनवर्ड की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। दूसरा, आप इसमें देखेंगे कि कोमे लगे हुए हैं, फर्स्ट रो में भी लगे हुए थे, आगे की तरफ तो नहीं थे, पीछे की में दे रखे हैं, तो आपने कोमे नहीं लगाने, हमने फालतू की जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी। इसकी प्रैक्टिस कैसे आप करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो सेकंड रो आप उतारोगे बच्चों, इसमें नीचे ये 1 ऊपर रहेगा आपका जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर। तो जो शुरुआत है मैंने आपको बताया था, इस पोर्शन में 3, 4 से 5 वर्ड आपने डालने हैं हर हाल में, तभी आगे कवर अप हो पाएगा। आर पी एच डी एच बी वाई टी जे आर के जे जी। इसी को दोबारा रिपीट करेंगे, आर पी एच डी एच बी वाई टी जे आर के जे जी। फिर से
RPHDHVYTJRKJG जो भी है पेज, आप पे बड़ा पेज होगा तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो RPHDHVYTJRKJG जो है। अब इसकी आप पूरा पेज भरेंगे, फिर इसके बाद में मानो आपकी थर्ड रो आ जाएगी, वो आपके तीसरे पेज पर रहेगी। उसको भी मैं आपको उतार के बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। FVITDSGISGMNINGLR फिर से रिपीट करेंगे FVITDSGISGMNINGLR दोबारा FVITDSGISG ये पूरी लाइन आ जाएंगी तीन बार। ये छोटी कापी इसमें यार ये तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे, लेकिन शुरुआत से जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको तीन बार तो आपने इसमें मतलब पांच स्ट्रोक्स को तो शुरुआत में डालना ही डालना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करोगे। FVITDSGISG देखो स्पेस बच गया SGISGMNINGLR FVITDSGISGMNINGLR फिर से FVITDSGISG इस प्रकार से आप आठों लाइनों के आठ पेज कंप्लीट कर लेंगे। यह आपका आज का काम रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और पूछ भी सकते हैं आप, वो आपका राइट है। ओके थैंक यू।